मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आज तीसरे दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में फाइलेरिया की दवा खिलाई गई। मधुपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर तीसरे दिन कार्यक्रम एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा फाइलेरिया रोधी दवा सहिया सेविका तथा वॉलंटियर द्वारा कोविड 19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए व्यक्तियों को अल्बेंडाजोल तथा डीईसी दवाई खिलाई जा रही है। सभी कार्यकर्ता मास्क सैनिटाइजर ग्लव्स कैप लगाते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, जिसका निरीक्षण मॉनिटर तथा ब्लॉक लेबर सुपरवाइजर नियमित रूप से कर रहे हैं, जिसमें उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद साहिब, डॉक्टर संजीत कुमार सिंह, डॉक्टर इकबाल खान, दामोदर वर्मा, विनय कुमार, तपन कुमार, एमपीडब्ल्यू अजय कुमार दास, विनोद कुमार, संजीव कुमार, नंदकिशोर चौधरी, श्रद्धा अम्भष्ट, सिकंदर शाही, डिंपल कुमारी, निवेदिता नटराजन, सरिता कुमारी, सोलंती हेम्ब्रम मौजूद हैं। उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद साहिद ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 10 या 11 एवं 12 को कार्यकर्ता में बूथ पर व्यक्तियों को दवा खिलाई। इसमें 3 दिनों में कुल 105,307 व्यक्तियों को दवा खिलाई गई है। शेष व्यक्तियों को 13 अगस्त से 30 अगस्त तक कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा खिलाएंगे। अतः सभी मधुपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुरोध किया जा रहा है कि जो व्यक्ति दवा नहीं खाए हैं वह दवाई अवश्य रूप से खा लें, ताकि फाइलेरिया होने से बचा जा सके। कार्यक्रम का जिला स्तरीय शहरी DPM नीरज भगत तथा BBD कंसल्टेंट डॉक्टर गणेश यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तथा WHO के डॉक्टर नित्यानंद ठाकुर भी क्षेत्र में गहन निरीक्षण कर रहे हैं।